गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? सबकी पढ़ाई हो चुकी है? हाँ, अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। कौन सा पीरियड है हमारा? हिंदी का। और आप सभी दूसरी कक्षा में हो, है ना? हाँ, तो बच्चों इससे पहले हमने कुछ अध्ययन किया था। हाँ, तो हमने हमारा जो पाठ है आठवां पाठ जो कि है एक ही मात्रा, कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा, इसका हमने अध्ययन किया था, इसकी पहचान की थी। एक मात्रा से आने वाले कितने सारे शब्दों का हमने अध्ययन किया था, लगभग 20 शब्द थे, है ना? हाँ, तो बच्चों ये एक ही मात्रा का अध्ययन हमने किया था। उस अध्ययन के बाद हमने एक कहानी भी देखी थी। कौन सी कहानी आपके ध्यान में है? मैंने कौन सी कहानी आपको बताई थी? हाँ, मैंने आपको मेला देखा ये वो कहानी बताई थी, पढ़कर सुनाई थी और अच्छे से उसको समझाया भी था। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी कहानी है जो कि पेज नंबर 46 पे है ना, पेज नंबर 46 पे है। इसके बाद बारी आती है 47 पेज नंबर की। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? अभ्यास। और इस अभ्यास में लगभग कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारा पहला सवाल कौन सा है? बताओ और लिखो, यानी कि आपको इस सवाल का जवाब पहले बताना है और उसके बाद आपको इसका जवाब मुझे अच्छे से बताकर लिखना भी है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? सवाल पढ़ना है, उसका जवाब अच्छे से ध्यान में लेना है और वह मुझे बताकर अच्छे से आपके कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखो, मेला देखने कौन कौन गया था? उस कहानी पढ़ते वक्त मैंने बताया था मेला देखने कौन कौन गया था। हम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आप जैसे, वो अकेले ही मेले में या बाजार में या इधर उधर घर से बाहर बहुत दूर अकेले नहीं जाते, तो वो किसी बड़ों के साथ ही बाहर जाते हैं। ठीक है, तो मेला देखने कौन कौन गया था? तो मेला देखने बच्चे गए थे, है ना? तो वो किसके साथ गए थे? तो देखो, तो मेला देखने चाचा जी नेहा रेणु रेखा उमेश गए थे। एक बार फिर देखो अच्छे से, मेला देखने चाचा जी नेहा रेणु रेखा उमेश गए थे, यानी कि नेहा रेणु रेखा उमेश ये जो बच्चे हैं वो चाचा जी के साथ कहाँ गए थे? मेला देखने गए थे। ठीक है, तो आपको ये जो वाक्य है, सवाल का वाक्य है, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सिर्फ चाचा जी नेहा रेणु रेखा उमेश इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं लिखने का, तो आपको पूरे वाक्य में ये सवालों का जवाब लिखना है। ठीक है बच्चों, हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है, नेहा और उमेश ने क्या क्या खाया? जब ये लोग मेले में गए थे तो उन्होंने कुछ खाया, उन्होंने कुछ खाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या खाया? नेहा ने क्या खाया? नेहा ने जलेबी खाई। हाँ, और उमेश ने केला खाया। फिर एक बार देखो, नेहा ने जलेबी खाई और उमेश ने केला खाया। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये आपके ध्यान में आ गया है? ठीक है, तो इससे आगे हम जाएंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है, सबने मेले में क्या देखा? मेले में जाने के बाद बच्चों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया था, तो उन्होंने क्या क्या देखा? तो देखो, सबने मेले में खेल तमाशे देखे। उन बच्चों ने और चाचा जी
बच्चों को बहुत मजा आया। फिर से देखो एक बार, जादू का खेल देखकर बच्चों को बहुत मजा आया, यानी उसमें भी बच्चों ने जादू का खेल भी देखा था और जादू का खेल देखकर उन्हें बहुत मजा आया था। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा है पहला सवाल। तो ये एक पहले सवाल में ये चार सवाल हमें लिखने हैं। ये चार सवालों के जवाब आपको अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में यहाँ पे पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है, आपके पास पेंसिल होगी, होगी ना? हाँ, तो यहाँ पे आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं हमारी किताब पे। ठीक है, और उसके ही साथ आपके पास जो कॉपी है, आपकी जो नोटबुक है, उसमें भी आपको इस प्रकार अच्छे हस्ताक्षर में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम जाएंगे। तो हमारा इसमें दूसरा सवाल है जो बहुत ही आसान है। देखो अच्छे से, रंगीन वर्ण पर एक ही मात्रा लगाकर दोबारा लिखो। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, लगभग चार चित्र है। ठीक है, और ये चार चित्रों में शब्द दिए हुए हैं, उस चित्र के क्या है, नाम दिए हुए, वो चित्र किसका है उसका नाम दिया है, और उसमें जो एक वर्ण है वो है लाल रंग का। तो उस लाल रंग के वर्ण पर ही हमें एक ही मात्रा देनी है। तो अभी आपको मालूम है एक की मात्रा किस तरह देनी है, एक की मात्रा कहाँ आती है, वर्ण के ऊपर आती है। वेरी गुड, तो आपके ध्यान में है। हाँ, तो देखो पहला चित्र है हमारा जलेबी का, मीठी मीठी रेसिपी जलेबी है ना। हाँ, तो ये जलेबी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जलेबी ऐसा लिखा है, और जो ल है उस पर आपको क्या लेनी है, एक ही मात्रा, और यह एक ही मात्रा लिखकर ये शब्द फिर से आपको इस खाली स्थान में लिखना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप एक ही मात्रा नहीं देंगे, तो ये शब्द फिर से आपको खाली जगह पर लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद का चित्र है गणेश जी का, गणपति बप्पा, यस। उसके बाद है बेर और भेलपुरी। हाँ, आपको अच्छी लगती है ना खाने को? हाँ, तो ये चार चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरा सवाल हमारा है, चित्र देखकर नाम लिखो। बहुत ही आसान है, ये चित्र आपको मालूम है, और ये कौन सी चीजें हैं ये भी आपको मालूम है ना? हाँ, पहला कौन सा चित्र है, बेलन का। इसका इस्तेमाल मम्मी किस लिए करती है? हाँ, रोटियां बनाने के लिए करती है ना बेलन। हाँ, उसके बाद यह है करेला, ये बहुत ही कड़वा होता है, हम खाते नहीं इसकी सब्जी, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ बच्चों, उसके बाद है हमारा मित्र कौन, पेड़। हाँ, ये सबसे बड़ा और बहुत ही हमारा क्या है, मित्र है, हमारा सच्चा दोस्त है पेड़। हाँ, उसके बाद आप पेज टर्न कीजिए। अभी आपको क्या करना है, चौथा सवाल है, ये भी बहुत आसान है। देखो बच्चों, चित्र देखकर खाली जगह पर नाम लिखो और पढ़ो। यानी कि क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें बताई है, चीजों के चित्र दिए हैं, उन चीजों के आपको नाम लिखने हैं, और ये नाम लिखने के बाद उस चीज वस्तु का नाम लिखने के बाद आपको एक वाक्य मिलेगा। ठीक है, देखो तो ये क्या है, तो ये जूते है, तो जूते पहन। जब कभी हम बाहर जाते हैं घर से, मार्केट में जाते हैं मम्मी के साथ, या कभी बाहर जाते हैं घर से, तो मम्मी कहती है कि नहीं कि जूते पहन, बोलती है कि नहीं मम्मा? हाँ, उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, जूते, जूते शब्द लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है मालूम है आपको? हाँ, यह है सेब, यानी कि एप्पल, यानी कि उसको मराठी में हम सफरचंद कहते हैं, और अंग्रेजी में हम उसको एप्पल।
और इसको हिंदी में हम सेब कहते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा सेब। उसके बाद आप चित्र है क्या है, हम किताब कहाँ कहाँ पर रखती है, आपके टीचर कहाँ पे रखते हैं किताबें, कहाँ पे रखते हैं? हाँ, मेज पर रखती है, मेज यानी कि टेबल। तो देखो, मेज पर किताब रख, यहाँ पे आप मेज लिखोगे, टेबल नहीं लिखोगे, क्योंकि टेबल जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में उसको मेज कहते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो पहले का कौन सा शब्द आएगा? जूते। उसके बाद से, और तीसरा शब्द आएगा मेज। ठीक है? हाँ, उसके बाद हमारे पांचवा जो सवाल है वो है एक्टिविटी। और एक्टिविटी आपको बहुत प्यारी लगती है, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, तो देखो बच्चों, बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो और नाम लिखो। यानी कि यहाँ पे कुछ बिंदु दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, डॉट्स दिए हुए हैं। तो आपके पास पेंसिल होगी सबके पास, है ना? हाँ, तो पेंसिल से ये जो डॉट है, ये आपको, ये बिंदु जो है, ये आपको क्या करने हैं, अच्छे से जोड़ने हैं। और इसमें आपको रंग भी यहाँ पर चित्र पूरा करना है। तो चित्र पूरा करने के बाद आपको ये चित्र किसका है ये पता चल जाएगा। तो उस चित्र को पहचान कर आपको यहाँ पे इस खाली स्थान पर उसका नाम लिखना है। ठीक है? और आपके पास यदि अच्छे से कलर होगा तो इस चित्र को आप कलर भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है, इसको कलर भी करो अच्छे से। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक हमारा जो अभ्यास है, जो हमारा एक्सरसाइज है, वो पूरा होता है। उसके बाद बारी आती है गाओ। गाओ यानी कि गाना गाओ, हम सिंगिंग करते हैं, आप सभी को गाने बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो यहाँ पे रेल का खेल नाम की एक क्या है, पोएम दी हुई है। तो बच्चों आपको क्या करना है मालूम है? ये जो रेल का खेल नाम की ये जो पोएम है, यानी कि ये जो कविता है, ये गाना आपको अच्छे से गाकर मुझे सुनाना है। या अभी आप घर पे हो तो स्कूल में तो नहीं हो, हाँ, तो ये गाना आप गाकर मम्मी को सुनाना। ठीक है? तो ये है खेल का एक गाना, बहुत ही प्यारा है। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर क्या कर लिया है, एक रेल बना ली है ना? हाँ, तो ये गाना जो है ये आपको अच्छे से गाना है। इसके बाद की जो पढ़ाई है हम बाद में देखने वाले हैं, पर अभी हमें क्या करना है, वर्ष छुड़नी है जो कि 10 मार्क की है। कितने अंक की है? 10 अंक की है। तो बच्चों हमारे स्कूल का नाम तो आपको मालूम है, हमारे स्कूल का नाम क्या है? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल। और आप सभी कौन सी कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में हो। हाँ, और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, विषय कौन सा है हमारा? हिंदी। हाँ, तो यहाँ पे घटक है एक ही मात्रा, यानी कि जो हमारा पाठ है एक ही मात्रा का, उस पर ही ये वर्कशीट मैंने बनाई है। ठीक है बच्चों? तो देखो, पहला सवाल, चित्रों को देखो और एक ही मात्रा लगाओ। जिस प्रकार आपने किताब में एक ही मात्रा लगाई है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे वर्कशीट पर भी लगानी है। तो पहला चित्र है सेब का, उसके बाद है पेड़, उसके बाद है बेलन और है जलेबी। हाँ, और केला, केला यानी कि बनाना। तो ये 5 चित्र यहाँ पे है। ठीक है? इसके बाद आपका पेज टर्न कीजिए तो आपको दिखाई देगा प्रश्न क्रमांक दूसरा, यानी कि सवाल दूसरा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, देखो और लिखो, यानी कि आपको वो शब्द देखना।
मिलाकर उसका क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। हाँ मैंने बताया है, अभी आप दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाने वाले हो, है ना। हाँ तो अभी आपको वाक्य बनाना भी आना चाहिए, इसीलिए इस प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या दिया है, ये वाक्य देखो और इसको नीचे फिर से लिखो, पर लिखोगे किससे, पेंसिल से। और किस प्रकार लिखोगे, अच्छे हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में। हाँ बच्चों, तो ये पांच वाक्य आपको देखकर अच्छे से लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी होगी। हाँ तो इसके बाद हमें करना है क्लास टेस्ट छुड़ानी है, जो कि हमें 10 मार्क की है। वो तो बहुत आसान होती है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, टिक करनी है ऐसे, आपको लिखना कुछ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट नंबर 10, ये 10 नंबर की जो क्लास टेस्ट है, यह है एक ही मात्रा के शब्दों पर। हमारा घटक कौन सा है, एक ही मात्रा। तो एक ही मात्रा के शब्दों पर क्या करो, टिक लगाओ। तो यहाँ पर लगभग 10 शब्द मैंने दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं, हाँ 10। अब इस 10 शब्दों के सामने बॉक्स बनाए हुए हैं, तो इन बॉक्स में जो शब्द एक ही मात्रा के है, उन्हीं पर आपको सिर्फ इस बॉक्स पर टिक करनी है। यदि उस शब्द में एक ही मात्रा नहीं है, तो वो बॉक्स आपको ऐसे ही खाली छोड़ना है, उस पर कुछ मत करो, ठीक है। आज हम इतनी ही पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब पढ़ाई अच्छे से जो बच्चे करेंगे, उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। क्या देने वाली हूँ, बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए ना, हाँ चाहिए। और मुझे मालूम है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत होशियार है, और उन्हें हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा लगता है ना। हाँ तो ये सब पढ़ाई अच्छे से